एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया, इसे 210 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, सीपी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है, ठीक है, कितने बराबर होता है 100%। अब देखिए, कह रहा 15% लाभ पर बेचा गया, तो पहले 100% रहा होगा, अब 15% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा। और जो इसका वैल्यू दिया, कितना दिया है 230, यानी 115 का वैल्यू कितना दिया है 230। हमें किसका निकालना, सीपी का वैल्यू निकालना नहीं, हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो देखिए सीधे सीधे दिख रहा है कितना होगा, यानी 1% का वैल्यू कितना, 115 दूनी कितना होगा 230, यानी 1% का वैल्यू कितना होगा 2। तो यहाँ पर जब 2 जीरो लगाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा 100% बन जाएगा, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया 200, यानी हमारा ये क्या निकल चुका, सीपी निकल चुका, ठीक है, सीपी कितना आ गया 200 आ गया। कह रहा 210 में बेचने पर, भाई एसपी कितना कह रहा, 210 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। भाई 200 का चीज़ 210 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, जाहिर सी बात लाभ होगा, कितना लाभ होगा, 200 का चीज़ 210 में बिकेगा तो 10 लाभ होगा। हमेशा परसेंट किस में निकालते हैं, सीपी पे, नीचे 200 रख देंगे गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 5% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक जो हमारा लाभ या हानि देता था परसेंटेज में देता था, तो उसको हम भिन्न में कन्वर्ट करते थे, इसमें पहले भिन्न में दे दिया है। देखिए कह रहा 1/7 हानि में होती है, देखिए यानी 1/7 हानि होती है, यानी सीपी का वैल्यू कितना है 7 है, और 1 रुपया जब हानि हो जाएगा, 7 में 1 का हानि हो रहा है, तो यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें 7 में से ये क्या होगा घट जाएगा, यानी 7 की चीज़ें 6 में बिकेगा तभी क्या होगा हानि होगा, ठीक है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 हो गया। अब कह रहा है एक पेन को 144 में बेचने पर, ठीक है, 144 में बेचने पर, यानी देखिए 6 एसपी का वैल्यू कितना दिया, यानी 6 का जो वैल्यू है, 6 रेशियो का जो वैल्यू है कितना है 144 दिया है, तो इसमें कह रहा है 189 में बेचा जाता, अगर 89 में बेचा जाता तो कितना, पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा, और सीपी का वैल्यू कितना है 7 है, यानी 6 का वैल्यू कितना 144, तो 7 का वैल्यू निकाल लीजिए, 6 से काटेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12, 2 बचेगा 24, 6 चौ 24, यानी 6 का वैल्यू कितना है 24, तो 7 का वैल्यू कितना होगा 7 गुणे 24। भाई देखिए इसमें कहा है कि सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना रेशियो है 6 है, और कास्ट प्राइस का रेशियो कितना है 7 है, इसीलिए 7 लेंगे, तो गुणा कर दीजिए तो कितना होगा 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना होगा 16, यानी हमारा अब जो ये क्या आ गया कास्ट प्राइस कितना आ गया 168 रुपये हमारा आ गया। तो कह रहा है यदि पेन को अब 189 में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस अब कितना कह रहा है 189 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 168 में से घटा लीजिए, 168 में जोड़िए कितना के बाद हो जाएगा 189, तो 189 में से 168 घटा लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1, और 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, यानी 21 रुपये का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अब परसेंटेज किस पे निकाला जाता है, हमेशा सीपी, यानी ये कितना होगा 168 अगुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए 8 बार कटेगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, इसको काटेंगे कितने बार कट जाएगा 8 बार, फिर 4 से काट दे 4 दूनी 8, और फिर 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कितना होगा 25/2, यानी 12.5% क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, 12.5% लाभ, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, इसका आंसर सही हो जाएगा। 14.5 लाभ समेत एक वस्तु की बिक्री मूल्य 466 रुपये था, यदि उस वस्तु को 300 में बेच दिया गया होता तो कितने परसेंट नुकसान होता। अब देखिए कह रहा 16.5% लाभ होता, तो पहले 100% होता है, अगर लाभ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16% जोड़ेंगे कितना होगा 116.5% का जो वैल्यू दिया है, ठीक है, बिक्री कल कितना हो जा रहा है 466 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 466 हो जा रहा है, तो हमें पहले 100% का वैल्यू निकालना है। अब देखिए 1 दशमलव हटेगा तो 1 जीरो इधर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका जस्ट कितना बार दिख रहा है, यानी 4 बार जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, तो 4 5 20, 4 6 24, और 24 2 26, 4 1 2 6, 4 बार कट जाएगा, कितने बार कट जा रहा है 4 बार, यानी 1% का वैल्यू कितना दिया है 4,
एक प्रतिशत का वैल्यू कितना दिया है, चार दिया है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, इधर दो जीरो लगाएंगे 100% होगा, इधर भी दो जीरो लगा दीजिए, यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, सीपी। अब कह रहा है यदि उस बस को 330 में बेचा जाए, यानी अब बेचने किस में कह रहा है, 330 में बेचा जाए, यानी 400 का चीज़ अगर हम 330 में बेचेंगे तो हमारा कितना नुकसान होगा, 70 रुपये होगा, और किस पर निकालेंगे, हमेशा हम सीपी में निकालेंगे, यानी 100 कितने में निकालेंगे, सीपी पे, यानी 400 का परसेंट पे जीरो दो लगा देंगे, ठीक है, परसेंट में क्या होगा, 100 का गुणा कर देंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, अब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 2, यानी कितना होगा, 35/2, यानी कितना हो जाएगा, ये 17.5%, कितना हो जाएगा, 17.5%, कौन सा ऑप्शन सही में दिया है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पायदान को 72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, 96 में पायदान को बेचने पर उससे कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होगी। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 72 में बेचने पर 10% की हानि होती है, ध्यान रखिए क्या हो रही है हानि, तो देखिए अब हम इसमें 10% की हानि होगी, यानी कितना बचेगा, 90%, भाई 10% की हानि हो जाएगी तो बचेगा कितना, 90%। आईसी का वैल्यू कितना दिया है, 72 दिया है, कितना दिया है, 72, हमेशा हमें कास्ट प्राइस निकालना होगा तो कितने का वैल्यू होता है, 100% का। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे, यानी 9% का वैल्यू कितना दिया है, 72 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9×8=72, यानी 1% का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10×8=80, यानी 100% का वैल्यू, यानी हमारा जो हमारा सीपी है वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से जीरो जीरो काट देंगे तो रेशियो हो जाएगा, एक रेशियो 1%, देखिए 9 से काटेंगे, 9×8=72, यानी 1% का वैल्यू 8 है, अब यहाँ 10 रेशियो बचा तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10×8=80, यानी हमारा सीपी कितना हो गया, 80। तो कह रहा है यदि 96 में पायदान को बेचने पर, अगर अब इसी चीज़ को अगर हम 96 बेचें, यानी एसपी कह रहा है कितना हो, 96 हो, तो 80 का चीज़ अगर हम 96 बेचेंगे तो हमारे पहले बात कितने लाभ होगा, 16 रुपये का लाभ होगा, और किस पे होगा, हमेशा कास्ट प्राइस पे होता है, यानी 80 का, और तो परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुणा कर दें, काट लीजिए वही आंसर हो जाएगा, 0 से 0 काट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8×2=16 और 10×2=20, यानी हमारे 20% क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पे बेची जाती है, मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देते हैं, यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 का भुगतान करते हैं तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बहुत आता है, और देखिए हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। अब कह रहा है एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पे, देखिए 20% लाभ मतलब कितना होगा, 20/100 हो जाएगा, 20 एक कम 20, और 20×25=100, अगर लाभ होगा, यानी 5 का चीज़ 1 का लाभ में बिकेगा तो कितने बिकेगा, 6 में, यानी हमारा जो पहले सीपी कितना था, 5 था, और 1 रुपये जब लाभ हो जाएगा तो कितने बिकेगा भाई, 6 में बिक जाएगा, कितने बिकेगा, 6 में। फिर कह रहा है कि अब यही चीज़, ठीक है, 5 का चीज़ कितने बिक गया, 6 में बिक गया। अब कह रहा है इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच दिया जाता है, 25% लाभ मतलब कितना होएगा, 25/100, यानी 25 एक कम 25, 25 चौका 100, यानी 4 की चीज़, ध्यान दीजिएगा 4 का चीज़ कितने बिक जाए, 1 रुपये का लाभ होगा तो कितने बिक जाएगा, ये 5 में बिक जाएगा, कितने बिक जाएगा, 5 में बिक जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यानी हमारा सेल कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6×5=30 हो जाएगा। अब मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 भुगतान करते हैं, अब देखिए 20 का चीज़ मिस्टर वाई को मिल गया है कितने में, 30 रुपये में, आईसी का वैल्यू कितना है, 225, यानी 30 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 225 दिया है, ठीक है। तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य, मूल विक्रेता का जो क्रय मूल्य था कितना था, 20 रेशियो था। अब देख 30 का वैल्यू ये दिया तो 20 का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए अगर रेशियो में यहाँ काटेंगे तो कितना होगा, ये 0 0 कट जाए, यानी 3 का वैल्यू 225 दिया है, तो 2 का वैल्यू पूछ रहा है, पहले 3 से काट लीजिए, तो 3 से काटेंगे कितना होगा, 3×7=21, 1 बचेगा, 3×5=15, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 75 है, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 75×150 हो जाएगा, यानी मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 150 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए भाई पहले वाला 5 में खरीदा है तो 1 रुपया लाभ हुआ, तो कितने बेच दिया, 6 में। फिर अब दूसरे वाला
ठीक है, उसका जब 25% लाभ हो रहा था यानी 4 में खरीदा तो 5 में, तो इसका गुणा कर देंगे। अब रेशियम था तो 0-0 काट देंगे, यानी 3। अब कह रहा है भाई मिस्टर वाई को तो यही विक्रय मूल्य होगा, और इसका रुपया कितना दे रहे हैं 225। 3 रेशियो का वैल्यू 75 हो जाएगा, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा।